लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है बेटा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया हमने कि यहाँ पर आपने एम मास का पार्टिकल लगा दिया। पहले ये वाला एंड फिक्स था, यहाँ पर कोई कील लगा के इसको रोक के रख रखा था आपने। अब वो कील हटा दी गई, यहाँ पर भी एक पार्टिकल बांध दिया गया जिसका मास एम है। क्वेश्चन अब भी वही है कि आपने बी वाले पार्टिकल को लेंथ के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है इनिशियल स्पीड यू से। ठीक है, लेंथ के परपेंडिकुलर इनिशियल स्पीड यू से प्रोजेक्ट किया है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने आयुष, बिल्कुल बात पकड़ ली आपने। जबकि ये टॉट हो जाएगी स्ट्रिंग किस टाइम पर, तो वही निकालनी है दो चीजें, इम्पल्सिव टेंशन कितनी होगी, दोनों पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इसने बिल्कुल सही बोला है कि जब ये जस्ट टॉट हो जाएगी तो इनकी रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है ना, जस्ट अभी इनिशियल वाला पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ कि जब ये इस तरह से हो गई है तो जस्ट बिफोर वाली सिचुएशन है, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स डॉट, तब आपकी वेलोसिटी कितनी है, इधर यू है, ये परपेंडिकुलर है, थीटा आप निकाल सकते हैं, कल भी निकाला था, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया आपका, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। ठीक है, तो आपकी जस्ट बिफोर है, जस्ट आफ्टर वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी, जस्ट आफ्टर वाली सिचुएशन, जस्ट आफ्टर क्या हो गया कि इधर दोनों की वेलोसिटी, बेटा ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब इसमें स्ट्रिंग टॉट होगी, ठीक है ना, जब ये स्ट्रिंग टॉट होगी तो इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग के टॉट होने पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी अलोंग द स्ट्रिंग। इधर से झटका इसको लगेगा, इसकी वी वन है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, वी वन हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर वाली है वो वही रहेगी इस पर पार्टिकल, क्योंकि इस पर फिर से इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, यहाँ यू थी तो स्टिल ये यू कॉस थीटा है। बट ये इंपॉर्टेंट बात थी समझने की कि इन पे जब एक ही स्ट्रिंग से बंधे हैं तो इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये एंगल वही थीटा है, आपको पता है थीटा की वैल्यू। ठीक है, इस डायरेक्शन में दोनों की वी वन हो गई, तो आपका अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी वी वन हो गई। कैसे निकालें आप बताइए, आप वी वन कैसे निकालें, यू कॉस थीटा तो पता है आपको, वही है यू बाई टू है। ठीक है ना, वो आपको पता है यू कॉस थीटा तो यू बाई टू है, तो आप क्या करें, इधर एक्स एक्सेस मान लें, इधर आप क्या मान लें, इधर वाई एक्सेस मान लें इस तरह से। ठीक है, इधर एक्स और वाई एक्सेस मान लिया आपने, आप क्या अप्लाई कर दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सेस अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हर डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस डायरेक्शन का इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल कर रहा हूँ बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये जो एम मास का पार्टिकल था, इसका ये वाला मोमेंटम कितना था, एम यू साइन थीटा था इसका, कितना मोमेंटम था इसका, एम यू साइन थीटा। ये किसके बराबर होगा जब दोनों साथ चल रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 2m into v1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से वी वन कितना आ गया आपका, यू साइन थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं तान्या, 2m v1 हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी रख दो, 60 डिग्री है बेटा, थीटा निकाल लिया था ना, क्योंकि आपको ये लेंथ एल है और ये जब टॉट हो जाएगी 2l हो जाएगी, ये बात हो चुकी थी हमारी, ये 2l हो जाएगी, तो 2l cos थीटा इक्वल्स टू l थीटा कितना प्रोवाइड करेगा, 60 डिग्री प्रोवाइड करेगा थीटा। तो v1 कितना आ गया, u रूट 3/2 अपॉन 2 इक्वल टू u रूट 3/4 आ जाएगा, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी तब आपको क्लियर है वेलोसिटीज कैसी हो जाएंगी, इसकी हो गई है यू रूट 3/4, इसकी भी यू रूट 3/4, तो बस आपसे इम्पल्सिव टेंशन आप इसी से निकाल सकते हैं डायरेक्टली बेटा, इम्पल्सिव टेंशन तो आप इसी से निकाल सकते हैं कि आप इस पार्टिकल को सिस्टम ले लें, इस वाले को, पीछे वाले को, और इस पर क्या लग रहा है, इस पर जो इम्पल्स लगेगा किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम, इसका इनिशियल 0 था तो इम्पल्सिव टेंशन की वैल्यू ये आ जाएगी एम यू रूट 3/4, ये आपकी इम्पल्सिव टेंशन आ जाएगी। देखिए कोई दिक्कत हो इसमें, तो ये आपकी इम्पल्सिव टेंशन आ गई।
इसमें क्या हुआ बेटा इस क्वेश्चन में कि दोनों पार्टिकल जब स्ट्रिंग टॉट हो गई सेम वेलोसिटी से चलने लग गए, तो वो निकालने के लिए हमने क्या लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगा दिया अलोंग द स्ट्रिंग, तो वेलोसिटी आ गई। अब ये पार्टिकल भी इसी से मूव करेगा, तो इस पर इम्पल्सिव टेंशन की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, इससे भी निकाल सकते थे, इस पर जे टी इस डायरेक्शन में लगा देते, इससे भी वही आता। तो ये इम्पल्सिव टेंशन की वैल्यू है, ये दोनों की कॉमन स्पीड है जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टॉट।